लौह चुंबकत्व की व्याख्या। तो आपको लौह चुंबकीय पदार्थ बताए गए थे, उसमें बताया गया था कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में तीव्र रूप से चुंबकित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थों के समान ही होते हैं, उनमें जो आकर्षण होता है वो सूक्ष्म होता है और इनमें जो आकर्षण होता है वो तीव्र रूप से होता है। तो अब इसमें आज लौह चुंबकत्व की व्याख्या यानी कि इन पदार्थों की व्याख्या बताई जाएगी। तो इसमें दिया गया कि इन चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं के किसी ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अवश्य युग्मित होता है, यानी कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके परमाणुओं के किसी भी ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अवश्य अयुग्मित होता है, इसलिए इनका भी प्रत्येक परमाणु एक परमाणुवी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं तो उनका जो प्रत्येक परमाणु होता है वो एक परमाणुवी चुंबक की भांति व्यवहार करता है, परंतु इन पदार्थों के अंदर कुछ विशेष प्रकार की जटिल अन्योन्य प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। यानी कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की जटिल अन्योन्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिससे इन पदार्थों के अंदर असंख्य छोटे छोटे प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं। यानी कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की अन्योन्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिससे इनके अंदर असंख्य छोटे छोटे प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे प्रभावी क्षेत्र बनते हैं उन्हें डोमेन कहते हैं, और एक डोमेन के अंतर्गत लगभग 10^17 से 10^21 तक परमाणु चुंबक पाए जाते हैं। यानी कि लगभग एक डोमेन के अंतर्गत लगभग 10^17 से 10^21 तक परमाणु चुंबक पाए जाते हैं। तो जैसा कि ये फिगर में बनाया गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर चार डोमेन बनाए गए हैं। ये पहला डोमेन, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पर ये चार डोमेन बनाए गए हैं। उसमें बताया गया कि एक डोमेन के अंतर्गत लगभग 10^17 से 10^21 तक परमाणु चुंबक पाए जाते हैं। इसमें दिया गया कि उसमें विक्षोभ के कारण सभी डोमेनों की दिशाएँ अनियमित रूप से अभिविन्यस्त रहती हैं। यानी कि उसमें विक्षोभ के कारण जो भी डोमेन होते हैं उनकी दिशाएँ जो होती हैं वो अनियमित रूप से अभिविन्यस्त रहती हैं, जिससे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होने के कारण ये चुंबकत्व का प्रदर्शन नहीं करते हैं। यानी कि जब डोमेनों की दिशाएं अनियमित रूप से अभिविन्यस्त रहती हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो है वो शून्य होने के कारण ये चुंबकत्व का प्रदर्शन नहीं करते हैं। इसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थों को दो प्रकार से चुंबकित किया जा सकता है, यानी कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको दो प्रकार से चुंबकित कर सकते हैं। और इसमें पहला दिया गया परिसीमाओं का विस्थापन, यानी कि परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा जो है लौह चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है। इसमें दिया गया है कि जब लौह चुंबकीय पदार्थों को कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश डोमेन के आकार में वृद्धि तथा प्रतिदिश डोमेन के आकार में कमी हो जाती है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब हम लोग इसमें चुंबकीय पदार्थों को कम प्रबल चुंबकीय पदार्थ यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थों को कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश यानी कि जिस दिशा में आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके अनुदिश जो है डोमेन के आकार में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उस ओर जो डोमेन का आकार है वो बढ़ जाता है, तथा प्रतिदिश यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो है डोमेन के आकार में कमी हो जाती है, जिससे ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुंबकित हो जाते हैं। तो इसके लिए फिगर ध्यान दीजिए, तो ये यहाँ पर फिगर बनाया गया, यहाँ पर लिखा गया है बाह्य बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, और आगे लिख दिया गया कम प्रबल, यानी कि जब हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थों को कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश यानी कि इधर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दिया गया तो इसके अनुदिश जो डोमेन होता है उस डोमेन के आकार में वृद्धि हो जाती है, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिदिश यानी कि जो विपरीत दिशा में डोमेन होता है उसके आकार में कमी हो जाती है, जिससे ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुंबकित हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा है डोमेनों के घूर्णन द्वारा। इसमें दिया गया कि जब लौह चुंबकीय पदार्थों को अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी कि अब की बार लौह चुंबकीय पदार्थों को अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो सभी परमाणुवी चुंबकों पर एक बलयुग्म लगने लगता है। यानी कि जब अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो
सभी परमाणु चुंबकों पर एक बलयुग्म लगने लगता है जिससे सभी डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाते हैं। तो जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया, यहाँ पे लिखा गया बाह्य भी अबकी बार जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका अधिक प्रबल है। तो यहाँ पर जो परमाणु चुंबक होते हैं उन पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जिससे सभी डोमेन जो होते हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।